सारे भाइयों ना राम राम भाई, मैं हूँ थारा देसी पत्रकार करमू। 7 मई 2019, ठीक एक घंटा बाद 8 मई हो जाएगी क्योंकि 11 बज रहे हैं रात के। और भाई संदीप भारती, अलग अलग प्रत्याशी हैं, अलग अलग लोकसभा हैं। और थोड़ा सा जो मैं इनके बारे में जानूँ वो मैं बता दूँ, फिर इन भीतर की बात और भीतर की बांप कटवावाँगे भाई इस पंगा में पैर क्यों फंसाए इन्हें। तो भाई संदीप भारती ने बहुत से आंदोलन हुए हैं इस हरियाणा में, जिसमें बीच बीच में पंगे लेंदे रहे हैं, बड़े बड़े बयाना खातर मशहूर रहे हैं, कुछ इन्हें फेमस कर दिए और उनकी वजह से कुछ ये फेमस हो गए भाई। तो बड़ी बड़ी बात है, भीतर तो पूछांगे इनकी भीतर की बात और भीतर की बांप कटवाएंगे। कुरुक्षेत्र लोकसभा क्यों चुनी और भी लोकसभा क्षेत्र थे, आड़े तय कर क्यों पैर फंसाया, किसका टांग अड़ाना है और किसका टांग अड़ानी है कि भाई खुद उठेंगे बैठेंगे, उठक बैठक भी चल रहा है राजनीति में। तो संदीप भारती हमारे के मौजूद है, हमारे दर्शकों ने राम राम कर दे। राम राम भाई, सारे भाई ना देसी पत्रकार कर्मो के साथियों सब ने राम राम। एक बार इनके भी साथी दिखा दे भाई, चुकर तो घुमा दे भाई। ईब रात ने 11 बजे पकड़े हम हमने, यो हैं दिखा दे फिर। आसे हैं कि सारे मुरझा रहे हैं, हैं आसे हैं, ले घुमा दे उल्टा वापस। क्रांतिकारी हैं भाई, हैं मुरझाते नहीं हैं। हाँ जी, तार मायने रख दिए हैं जी। तार तो बहुत छोटी चीज है करमू भाई, एक किसान के बेटे के रूप में इतने बड़े बड़े धन्ना सेठा के बराबर में फार्म भरना की छोटी बात है भाई। बड़ी बात, किसान का बालक सरपंच से बड़ा फार्म भरना तो पहले कई बार सोचा करता, अगर कोई फार्म भरता तो कदर की चपरासी का भरया करता। आज जे किसान का छोर ने संसदी का फार्म भर दिया तो खलबली नहीं माच रही है, कोई किमे कहे कोई किमे कहे, कोई क्या का आरोप लाओ कोई क्या का लावा, लेकिन कोई यो जवाब नहीं देता भाई। 70 साल तक जो किसान कौम अपनी बर्बादी का घर बैठ के तमाशा देख रही थी, इन नेताओं का इंतजार कर रही थी, कोई नेता होगा कोई छोटू राम आओगा, जब उसकी तकलीफ नहीं मिटाओगे तो किसान के बेटे के फांसी खाओगे भाई। खान तो लग रहे हैं 45 किसान रोज के फांसी, लेकिन भाई किसान के जो जागोड़े बेटे हैं वो फांसी नहीं खाओगे, अधिकार मांगने खातर कुर्ता भी पकड़ेंगे और वह बराबर में भी खड़े। चलो एक कदम आगे बढ़ गए, मैं बारी बारी तक शुरू करूंगा। या चषक कब तक किस टाइम तक जागी चषक, राजनीति की और समाज नीति की? पहले समाज नीति दिखार दी, इब राजनीति आएगी। समाज नीति की चषक थी, अगर राजनीति में आन की चषक थी, खुल कर बताइए संदीप भाई। भाई मारे परिवर्तन की चषक थी, मारे क्रांति की चषक थी, हम चाह रहे थे धरती पलट करना, व्यवस्था परिवर्तन करना, सिस्टम बदलना। अब सिस्टम बदलने खातर जिस टाइम पे भीतर थे जो पुकार आई नहीं, जब हम छोटे थे जब नू ला गया करता लठ गला परिवर्तन हो उसके, जब नू सोचा करते धक्का रोड जाम करके रेल रोक के सांसद ने पीट के हमें व्यवस्था ने बदल देंगे, लेकिन जैसे जैसे डेवलप होता चल रहा है, समाज के बारे में सीख मिले है, विचार बढ़े हैं, लोगों की सोच का पता चला है, तो पता चला है हमारा देश उतना क्रांतिकारी नहीं है जितना हम बनाने का प्रयास कर रहे हैं। हम तो सोचा थे 5 लाख आदमी संसद ने घेर कर धक्का करके कानून बनवा लेंगे, अगर लिखो किसान की कर्जा मुक्ति का कानून, लिखाओ आरक्षण के ऊपर अकबर जाट सहित सारी किसान जातियों का आरक्षण, लेकिन जब नू देख लिया लटके गला नवेड़ा नहीं होता, समाधान नहीं होता, तो हमारे पास रास्ता नहीं बचा मेरे भाई। 14 साल का संघर्ष हो गया, आप भी जिसके 12-13 7-8 साल तक साक्षी हो, 2013 तक छात्र जीवन का संघर्ष हो गया, दर्जनों मुकदमे लाग लिए, अनंत गिनत बार जेल यात्रा होली, इब कह तो हमें वह गंगा में डूब के मर जावा पेंडा छूट जाएगा, और कह मेरे भाई संघर्ष करा, तीसरा हमारे पास कोई रास्ता। तारीख तो लग दे रहे बीच बीच में। हाँ तारीख तो मेरे भाई, हाँ तारीख तो मेरे भाई, ये 4 तो आप वाला डब्बी ने लुआ रखे हैं, 4 किसाना के बचरे थे उड़ा रहा। मेरा डब्बी कौन है? सारे पत्रकार भाइयों का खास, जिसने पूरा टीआरपी बढ़ाई है सारे चैनल की, मारा सांसद एक्स सांसद एक्स हो गया, वो भूतपूर्व होता जाएगा, अभूतपूर्व होता जाएगा, राजकुमार सैनी। हाँ राजकुमार सैनी ने 4 मुकदमे लुआ रखे हैं, लेकिन यह जिक्रा कौन कर दे भाई, नहीं कह दे मिला फेमस हो जाएगा। हालांकि राजकुमार सैनी जिस टाइम पर हमने जो भी कराया उसका गला, सांसद था, पूर्व मंत्री रह लिया था, 15 साल तक राजनीति में था, मारा जाति विशेष को गाली देकर बहुत फेमस हो रहा था, जना जना का जहर हो रहा था, लेकिन फिर भी हम जिक्रा नहीं करते कि चुनाव का टाइम है, उसका सहानुभूति ना मिल जा कर दे उसने। लेकिन देखो संदीप भाई, आरोप प्रत्यारोप तो लग गए हैं, आरोप प्रत्यारोप राजनीति की खूबसूरती का हारूँ मैं तो, आरोप प्रत्यारोप नहीं लाओ तो राजनीति चमके नहीं, राजनीति चमकानी तो आरोप प्रत्यारोप लगना अपने। कई बार आरोप प्रत्यारोप में आप अपनी मर्यादा लाएंगे जहाँ उसने कर तक जायज मानो। मेरे भाई मेरी तो देखो करमो भाई, आप बड़े वरिष्ठ साथी हो, क्रांतिकारी हो और जज्बे आले भाई हो, मेरी निजी सोच ऐसी है, राजनीति आरोप प्रत्यारोप की बजाय खुद की लकीर लंबे बनाने की होनी चाहिए, लेकिन जैसे जैसे चुनाव का माहौल गर्मी पकड़ा है, निजुकर गर्मी पकड़ा है, जैसे आदमी एक्साइट हो है तो कई बार रास्ते तो भटक जाए, कच्चा उतर जाए। तो मैं तो ऐसा मानूँ भाई, सभ्य समाज में जो नेतृत्व तो जो करें राजनेता है चाहे समाज नेता है, कच्चे में नहीं उतरना चाहिए, ऐसी ओछी बात हम नहीं जाना चाहिए, जिस तक आगे तड़के न्यू अनुभव यार तने गलत कहा। फिर नू है राजकुमार सैनी तो बड़ बोला था, वो तो भूडा बोल दे कई बार, सुना हम बयान कई बार कर दे, हालांकि उस तक जी पूछा तो नुका दे बोले लोग आप बने रहे,
तेरे पे बात है जे भाई संदीप भारती, तू भी कई बार मर्यादा लेंगे जे सोचता नहीं नुन घर बोला करे पास सोचा रहे वाह जे बात। देखो मेरे भाई कर्म तो हमने कई बार ऐसे कर दिए जिसने ज्यादा तीखे लागे हो, लेकिन तारे भाई ने बोल किसी व्यक्ति विशेष के प्रति किसी जाति विशेष के प्रति ऐसा नहीं कहा है जिस तरह किसी ने नूला गया हमारे प्रति गलत कहा है। लठ तो ले बाजे हैं कई बार, क्यों जिस वंश में पैदा हो रही जिस जाति में पैदा हो उस लड़ाकापन तो है जन्मगत, लेकिन बोल गलत तारे भाई ने प्रयास कराया है जाति की धर्म की भाईचारे की मर्यादा ना लांगे अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास कराया। राजकुमार वाली बात होगी सांसद वाली भाई ती अति कर रखी थी इसका गला आप न्यू मानो हमने गलत कराया तो कई बार मेरा भी न्यू सोचा था मेरा बूढ़ा आदमी था नहीं करना चाहिए था, लेकिन जो इतनी कर रखा था ना भाई उस तो जहर इतना हो रहा था हमारे भाईचारे में हमारे समाज में घना जहर ठंडा चूल्हा बैठा की गरमाश रह रही मैं उसमें बात बताऊं के है। जब हमने उसके लिए यो करा समाज ने कई रिएक्शन देखने चाहिए मतलब जज करना चाहिए रिजल्ट नहीं, उस तरह पहला वो खूब चल रहा था हरियाणा में छक्के गाड़ दिया और खूब बिलावर पार्टी बनाओगा नू करेगा नू करेगा, हमने जो उसके लाड़े उसके घर घुस के कर दिया अगले दिन उसने समर्थक का आह्वान करा भाई कुरुक्षेत्र बंद करांगे लोगो पहुंचो, भाई 100 आदमी कौन पहुंचे आड़े 100 आदमी कुरुक्षेत्र में जो सांसद बन रहा था इतना डर हो गया उसका समाज का मन न्यू मेरा पट गया घर भड़के अगले, लेकिन हमारे समाज के जो ठेकेदार हैं भाई जिनने 70 साल तक तो किसान का तमाशा देखा जड़े जरूरत पड़े उड़े काम नहीं आंदे उनने मेरे भाई उसका कलर का बटन तोड़ने की बजाय वो बाबू बनाए रखा कुछ नहीं है वह कुछ नहीं कंधा है अपना आप मान जाएगा, जब उस आदमी का न्यू हो गया ना बेतरा कोई पुंजड़ पाड़ दिया नहीं जब वो कच्चम उतर गया जब उसका बराबर में हम कच्चम जा उतरे भाई साहब उसने हौसला जोड़ने में भी कई महीने लगे कई महीने हम जाके हौसला मतलब डैमेज तो कर दिया आपने। मेरे भाई ने बताई पानीपत की रैली करी थी पाछे ही ना हमने विरोध करा ना हम बोले ना बात, बारिश के मौसम में भी बढ़िया रैली मार गया उसमें भी नो कहे हैं मतलब संदीप भारती विरोध नहीं करता नहीं उसकी रैली फ्लॉप होंगी तने विरोध कराया उसकी रैली हट गई। वह मेरे भाई मैं जींद रैली की बात कर रहा हूँ जो आप बात कर रहे हो जींद की रैली बात जींद रैली का टाइम पे आपने बताऊं कई गांव में तो खाली बस बड़बड़ान दी उल्टी आई खाली बस आई है नू था बिरानी के कर देंगे बिरानी के कर देंगे जब जाम लाया नहीं उसका रुका गना पड़ गया रैली था ज्यादा दुर्योधन का भी होगा लेकिन दुर्योधन का बुराई के रूप में जिक्र होगा, अगर राजकुमार सैनी का जिक्र होगा वो दुर्योधन रावण के रूप में जिक्र होगा, तारे भाइयों का जिक्र नहीं होगा भी ना बुराई के खिलाफ आवाज उठाई बुराई के खिलाफ भाई घर नहीं बैठ सकते। सुनो राजनीति में शाम दाम दंड भेद नोट वोट शॉट शराब स्वाब ख्वाब सारे कंडे अपनाए जावे, राजकुमार सैनी तो नफरत है अक्सैणी समाज तो नफरत है भाई सैनी समाज के मैं कॉलेज टाइम में जितने पढ़िया करता नहीं जितने मेरी गहरी मित्रता है बहुत गहरी मित्रता है सैनी समाज तो हमारे भाइयाना समाज है मतलब जितना अवगत हुए करें हैं कई और जाति हैं बहुत अवगत करें सैनी भी खूब अवगत करें निजी भाईचारा है एक आदमी पूरी जाति का प्रतिनिधि नहीं हो सकता, राजकुमार सैनी का गला उसने सैनी लाना ही चाहिए राजकुमार सांसद में उती कहूँ सैनी तो हमारे भाई हैं भाई कदी तो भाई रहोंगे एक राजकुमार का कहना तो हमारा भाईचारा खराब को नहीं होता। चलो राजकुमार सैनी तो ये भी हिट विकेट हो रहा है क्यों आ रहा है इलेक्शन कौन लड़ रहा नायब सैनी डीडी शर्मा अर्जुन चौटाला ये बड़े बड़े चेहरे मतलब विरासत मतलब 60-70-80 साल की जो परंपरागत राजनीति चलती आ रही है उनके खिलाफ टांग अड़ा दी दिक्कत बनेगी भाई दिक्कतां तो डरना तो करते लिखना ही नहीं थे जब बात क्रांति की आएगी जब बात भगत सिंह की करा हाँ जब मरण थे हम नहीं डरे सड़कों पर गोलियां तो नहीं डरे चुनाव में जो हमारा संवैधानिक अधिकार मिला है भगत सिंह वर्गिया ने कुर्बानी दे के जो गुट्ठा ला के अपना नेता चुनने का अधिकार दिया है तो मेरे भाई इसमें डरने का तो सवाल ही नहीं लड़ाई तो भाई तड़के प्रदेश का राज की भी होगी तड़का का भी होगी तो ये तो अपना आप तो मैदान छोड़ने तरह अब चौटाला उड्डा परिवार है अच्छा बीजेपी पार्टी है इन्हें कदे बुलाया के नू तो कहना है कोई एक शुद्ध किसान का कोई लड़ाका बेटा है जो वो सांसद मंत्री बनावांगे इनका लग तो धक्का करना पड़ेगा और धक्का मेरे भाई मैं नहीं करूंगा तो ये नौजवान पीढ़ी नू कहा कर दी भाई तेरे पर नहीं बनेगा तो करेगा कौन हमारे जो आम किसान के बेटे हैं उनकी नजर में वह संदीप की मैं कर सके तो संदीप की तो मेरे भाई जिम्मेदारी बने थी अकी राजनीति में जो बड़े बड़े धन्ना सेठ बैठे हैं नेताओं के बेटे पोते बैठे हैं इनके बीच में आम किसान के बेटे के रूप में जगह बनाने का काम करे। अच्छा संदीप भाई एक चीज और अगर है जब कोई आदमी कामयाब हो जाए तो उसके पीछे भी नुकार भाई फलाना की वजह तो कामयाब हो गया किसी ने धक्का दिया था इससे और कि मैं दिक्कत मान जाए कि मैं गड़बड़ मान जाए तो भी नुकार मर बटन वो से दिया था उन्हें धक्का था ये राजनीति में धक्का किसने दिया है राजनीति मेरे भाई धक्का किसी ने नहीं दिया देखियो है तेरा भाई का जीवन परिचय 2006 में ला गया था भाई लठ बजान सड़क के ऊपर 2006 में संदीप भारती का जीवन परिचय हाँ भाई 2006 में लगा था भाई कद 2006 था आज उस बात ने 14 साल हो जाएंगे लगातार सड़क पर संघर्ष कराया
गल पढ़ाई में संघर्ष कराया, गल खेलिया करता मैदान में संघर्ष कराया, जड़े समाज की बात आई उड़े समाज के खतर संघर्ष कराया। मेरे भाई यो तो राजनीति मान का तो मजबूरी होगी, दर्जनों मुकदमे चालन लाग रहे हैं, समाज में नहीं होगी, छोरा पागल हो या अंडा है भाई, लड़े है कुआं जेल में जाओ कुआं आवे है, आगे भविष्य में क्या करेगा। जो तकलीफ है हमारे किसान समाज की, तकलीफ है हमारे 36 बिरादरी के भाईचारे का खत्म होने की, वह तकलीफ मिटाए के बिना मैं संतुष्ट कुकर हो जाऊँ। अच्छा भाई, चुनाव चिन्ह कब प्लेट करिए, जेजेपी वाले बता जींद का बाई इलेक्शन में है, ये तो बोनस मिल गया। हाँ बिल्कुल मेरे भाई, ये तो परमात्मा की इच्छा थी, वह देख इसमें संदीप न तो था को नहीं मन मर्जी का मिलना, चुनाव आयोग की इच्छा थी, अरब जुकर लाटरी लिकड़ अगर लाटरी लिकड़ गई करमू भाई ने और सारे भाई ने फेमस करी रखा था। सुनो नू है गिलास मिल जाता तो सिकंजी पी लेंदे, कप प्लेट में चाह पीनी पड़ी, गर्मी पहले पड़ रही है भाई, कप प्लेट में वोटा घबरा गई थी। हाँ वोटा घबरा गए, बर्फ लावा तले प्लेट में। अच्छा एक चीज नहीं, मैंने सुनो भाई मेरे तो रोज के 10-12 फोन आ जाए तेरे तेरा चक्कर में, उनका संदीप भारती ने कौन इंटरव्यू कर दे उसका, कौन हैदराबाद है कौन कर्नाटक है, दूर दूर तक ही पैर फंसा रखे हैं भाई है? जो शुभचिंतक साथी है नहीं, मैं उनका धन्यवाद करूंगा, सारे देश में है वह नहीं उम्मीद देख रहे हैं, मैं हमारा भाई भविष्य की राजनीति खातर एक नया कुछ देने का काम करेगा, क्योंकि स्थापित राजनीति तो तंग आ ली है, या के राजनीति है फलाना गंदा मैं तने नोट दवा दूंगा, मैं तने नौकरी दूंगा। भाई हरियाणा प्रदेश का नहीं, देश का नौजवान इंतजार कर रहा है कि हमारे शहीदा ने जो लड़ाई छेड़ी थी उसने वो चूंकि पूरा नहीं कर पाए, क्योंकि भगवान ने उल्टे बुला लिया, को फांसी चढ़ा गोली तो मरिया, तो वो देश का नौजवान इंतजार कर रहा है कि हमारा यो भाई इस लड़ाई ने आगे बढ़ाने का काम करेगा। तो भाई जीतने खातर आया है, हराण खातर आया है, अब किसी का गणित बिगाड़ना आया है भाई। तारा भाई तो जिदन मैं भारत की धरती पाया था आज से 3 साल पहले, उधर न्यू सोच के आया था भाई देश ने एक नई लड़ाई की शुरुआत करके देंगे, यो मेरे खातर चुनाव को नहीं हो तो एक जन आंदोलन है। मैं हरियाणा प्रदेश और पूरे देश में एक संदेश देना चाह रहा हूँ, अगर भाई किसान के बेटे वो लड़न भी जाना है सड़क पर और राजनीति में भी आन जाना है, हारण जीतने का फैसला तो समाज ने करना है। अब किसी भी गांव में ऐसा नहीं पाओगा जरा संदीप का जिक्र ना हो, सारे न्यू कहें बढ़िया छोरा है, अगर वो जन भावना कन्वर्ट हो जाए तो तारा भाई अड़ा एक तरफा मार जीता जीतेगा। किसी गुजरा गांव में चले जाओ, रोड भाइयों चले जाओ, राजपूतान चले जाओ, पंडित जी हम चले जाओ, मजदूरा में चले जाओ, एक तरफा चर्चा है। ये मेरी तो सोचिया है अगर एक तरफा चुनाव जीता जाओ, मैंने तो अपना सारा जोर ला रखा है, बाकी समाज ने फैसला करना है। एक चीज़ हो रहा है, किसी न किसी का गणित बिगड़ेगा आपकी वजह से, आपने बेरा हुआ किसी का गणित बिगड़ सका है, फिर कि मैं ऑफर आफर आवा भाई, ऑफर आने तो चल दे रहे हैं जब घर तक लिकड़े थे जब ऑफर लेके चल पड़े थे लोग, ये तो ऑफर तो वे भगत सिंह वर्गियां दो आए थे, सुभाष वर्गियां दो आए थे, छोटू राम वर्गियां दो आए थे, कोई भी समाज खातर लिकड़े ऑफर चल दे रहे हैं। आपने ध्यान होगा कितने आंदोलन डे एक आंदोलन में पाए हैं, तने यो दे दें तने वो दे दें, टिकट देनी है दुनिया आए, जब कोई भाई इतनी बड़ी बड़ी पार्टियां बीच में इंद्र दिल लड़न की हिम्मत कर गया तो मान के चलो उफरा तो आगे जा लिया। मेरे भाई गणित किसी का नहीं बिगड़ता, गणित उनका बिगड़ेगा जिन्हें 4.5 साल घर में बैठ के तमाशा देखा है, 4.5 साल आड़े सड़कों पर जब गोली चलनी थी, या आज उसे नेते बने हंड हैं इनके रिश्तेदार को सड़क पर टोया नहीं पाया, को जो 36 भाई कुर्बान हुए उनका घना भी जानिया कौन पावे, न्यू कहनी आओ मैं तारी तकलीफ में आया हूं। जब यो डाकू पा कर था राजकुमार सैनी, आज तो सारे नुकों मिला वे हमें मिला दूसरा श्रेणी का इलाज कराएंगे, नए ने कौन जीतने देंगे। जब मैदान में कोई लिकड़ा है करते हैं कोई बड़ा काम ठा के, तो जिन लोगों ने तकलीफ हो, जिन लोगों की राजनीति की दुकान बंद हो, वो अपना प्रयास तो करें, वो तो जोर लावें, लेकिन मेरे भाई गणित बिगड़न बनाने की बात है, मैं ना तो किसी का गणित बनाना है ना बिगाड़ना है। 70 साल तक हमारी कम्युनिटी की जो तकलीफ है किसान के रूप में यार, आज़ादी का 70 साल बाद भी हो रहा है भैया, हम गूठे लाने पड़ रहे हैं, आज़ादी का 70 साल बाद भी हमने इंतजार करना पड़ा, ही कड़ाड़ थी 10,000 रुपये 1,00,000 रुपये फालतू दे देगा, तो या तो है सरेआम निमान लो खत्म होने की हालत है। तारा भाई तो उस तकलीफ ने लेके आया है और उसको गणित उनका बिगड़ेगा, वैसे देखा हूँ जिन लोगों ने 4.5 साल घर में बैठ के तमाशा देखा, जब सड़कों पर किसानों का जूत लगन लग रहे थे, कोई पार्टी का नेता बोलिया भी को नहीं, जब यो राजकुमार सांसद गुंडा बन के अड़े 36 बरादरी का भाईचारा का नाश कर रहा था, ना तो कोई कांग्रेस वाला जो सा पैक रहा हुआ है भाई, ना कोई चुटाला पार्टी था भाई, ना इन खट्टर की तरफ तक को बोलिया सरकार की तरफ, तब ये गलत कर रहा है, इसका समाधान करांगे। अगर कोई कह देंदा अकबिला जी प्रधान जी कह दो कि बिला वोट खराब हो जाएंगे भाई, जब तो इन्हें वोट खराब होने का जिक्र डर लगा था, जब सड़कों पर हमारे भाई मरण लग रहे थे, जब हमारे भाई जेड़ा में सड़न लग रहे थे, जब तो इन्हें बोलने की तुलना बिला वोट खराब हो जाएंगे भाई, आज ये वोट बनाने का खातर कुकर आएगा, जब आज ये मड़ाई चाटन कुकर आएंगे भाई, सड़क पर लड़के दिखाया तारा भाई ने, समाज लड़के दिखाया है, वोट उनके बिगड़ेंगे, समीकरण उनके बिगड़े जो इसी कमरे में बैठे थे, अगर सड़क पर संघर्ष करे होता तो मेरे भाई समाज उन्हें जिताया कि एक तरफा भाई। मैं एक बात और पूछना चाहूंगा, एक टाइम था राजनीति का जब कुर्ता पजामा चाहे मैला कुचाला किसा हो, कच्छा बनियान में भी राजनीति हो जा रही, लेकिन आज की राजनीति में ग्लैमरिंग है और भाई एक्शन ड्रामा और तिकड़मबाजी, चर्चा पर्चा खर्चा सारा डाल का सौदा चला है, उस चीज के चुनौती का सामना क्यों कर रहा है? निसंदेह करमूँ भाई, बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इतने बड़े धन्ना सेठ तो वे 100-100 गाड़ी लेके चल रहे हैं, हमें 5-7 भाईचारे जुड़ रहे हैं, पूरी ग्लैमरिंग है, पूरा खर्चा लाओ, पूरा धूम धड़ाका करें, लेकिन आपका भाई ने एक विचार कराया है,
कि समाज ये 5 साल में 2 महीने वाला धूमधड़ा कदा प्रभावित होगा, 4 साल 10 महीने की मेहनत प्रभावित होगा। तारा भाई ने तकलीफ उठाई है, मेहनत करी है, जेल काटी है, मुकदमे सहे हैं, मैं मानू इस 2 महीने के ग्लैमर की तुलना में वो ज़्यादा बड़ा धूमधड़ाका है। वो जो हमारी याद है पुराने टीम की तकलीफ उठाने की, हमारे नौजवान भाई उनसे ज़्यादा प्रभावित होंगे, इस ग्लैमर वाला तड़का में आवेंगे नहीं, ऐसी मेरी सोच है। और जितनी जनभावना मिल रही, आप किसी गाँव की वीडियो उठा के देख लो, जितना भाईचारा तारा भाई ने सुनने खातर करमू भाई आया है गाँव का गल्ले, उतना किसी भी नेता गल्ले नहीं आया है। और जब क्या आगत आगे इनकी गांडी हंड है, वर्कर हंड है, 50 पहला तैयार पावे हैं, तो जो भाईचारा जितना भावना है, जनभावना है, बहुत गणी आपका भाई के प्रति है। और मैं मानू ग्लैमर की जरूरत नहीं पड़ती, मतलब दाल रोटी खाओ प्रभु के गुण गाओ है भाई, परमात्मा साहिब पनीर वाली ग्रेवी वाली की जरूरत कौन है, ग्रेवी वाली की मेरे भाई किसान के बेटे हाँ, हमें बांध के डलिया में विश्वास कहा, और वह 7-स्टार होटल में सुतरा गद्दा भी नींद आज है। अपन तो अपना शरीर है नहीं, परिस्थिति के हिसाब से डाल रखे, ऑलराउंडर, हाँ बिल्कुल ऑलराउंडर हो रहे हैं। कई साल स्पोर्ट्समैन थे, तकलीफ ठाण की आदत थी, फिर समाज के संघर्ष में न्यूबेरा, कदे जेल में पड़े हाँ, कदे कितने खेतों में पड़ना पड़ा है, राजनीति में कई बार खड़े खड़े भी सोना पड़ा है, हाँ राजनीति में हाँ, बस या तो भाई भाई हाँ, नया हाँ जीवन है, लेकिन चूंकि पहला इससे ज्यादा तकलीफ ठा के आए हैं, जब सड़कों पर लाठी बाजा कर दी, सड़कों पर सोया कर दे, पराली बिछा के सोया कर दे, सड़क पर सोया कर दे, उस तो तेन है सुखा रहा भाई, 4 भाई आगे तैयार पाव है, रोटी तैयार पाव है, गद्दा तैयार पाव है, सुथरा अपने नींद कट जाए। देखो बहुत से नेता है, उनका चेहरा सिकन रहा है, टेंशन भी हुआ है भाई, के बार जीतूंगा का हारूंगा, टेंशन बने कदे कदे भाई, कुरुक्षेत्र की धरती गला मेरा बताऊं गहरा जुड़ाव है, दिल से बताऊं करमू भाई, क्योंकि मन नु लगा जो पांडव कुरुवा की लड़ाई हुई थी, जो आड़ा देश का विनाश होया था, उन्हें मैं था हमारा दोबारा पैदा हो रहे हैं, और हमारा एक कर्तव्य बना है काम, इस देश ने दोबारा बनाने का काम करा, जो विनाश होया था उसने नहीं, मान लो देश 5,000 साल पीछे गया था उस विनाश से, तो मैं आड़े इस धरती के प्रति गहरा जुड़ाव है, आड़े चाहे मैं बीमार पड़ा हूँ, चाहे मैं भूखा पड़ा हूँ, मैंने कभी तकलीफ महसूस नहीं हुई, इस हार में जब मैं था तो तनाव रहा करता, आड़ आने के बाद तनाव नहीं, तो भयंकर शांति चल रही है। राजकुमार सैनी की वजह से सुनिया भाई, जो आप बता रहे हो उसकी वजह, साथियों की पुकार थी मेरे भाई, लंबे समय तक साथी कर रहे थे, वह कुरुक्षेत्र में आपने संघर्ष कराया है, आपकी कर्म भूमि है, और वह देश में मजबूत संदेश जाना है, तो साथियों की इच्छा थी, मेरी तो इस हारते इच्छा थी, लेकिन जो जनभावना थी, इन्होंने बोले भाई कुरुक्षेत्र तक लड़, सारे भाई मिलकर आड़ा ज़्यादा जोर लावेंगे, तो जितने भी पार्टियाँ तो अलग अलग पार्टियाँ जुड़ रही थी, सबकी साझी सोच आड़े की बनी। हर नेता का, हर सामाजिक व्यक्ति का एक आइडियल हुआ है, आइडियल हो उसका कोई आदर्श हो है, अपना आदर्श कौन है? देखो वैसे तो मेरे भाई में बहुत सारे व्यक्तित्व तो प्रभावित हूँ, सरदार भगत सिंह बहुत ज़्यादा प्रेरणा के स्रोत हैं, स्वामी विवेकानंद हैं, अच्छा भाई गुरु गोविंद सिंह हैं, बहुत ज़्यादा प्रेरणा के स्रोत हैं, लेकिन एक आइडियल जब एक के चुनना हो तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस, उस आदमी तो मैं ऊपर से नीचे प्रभावित हूँ, उसकी मैंने मान के चल बहुत सारी चीज़ मेरे में एक जैसी भी है, और उस आदमी जैसा अगर हम कदे बन पाए, उस इतने बड़े काम, इतने डेयरिंग काम, इतने बड़े विचार, तीनों लगेगा भाई जिंदगी में किमें कर दिया। मैं तो भाई देसी पत्रकार हूँ, मतलब जहाँ तो बंद हूँ, यू तो पीला क्यों बंद रहे मेरे भाइयों, परिवर्तन का रंग है भगत सिंह, और जिस बसंती चोले की बात करे थे, इंकलाब का रंग की बात करी, इंकलाब का रंग है, तो ये तो एक प्रतीक है के कई साल 8-10 साल तो मैं देखना है, हाँ ये 2009 तक है मेरे भाई, जब तक पहली बार, या हाँ 10 साल तक है, जब क्रांति की लो फूटी, लो फूट के पहली बार लठ ला के जेल कटी, तो जेल में लंबा दिन का मौका मिला, एक एक चीज का बेरा पटा, प्रतीका की क्या भूमिका है, इस रंग की अपनी भूमिका है, यो मृत्यु का रंग भी है, आप इसने धारण करे एक बाद आपके घनी सारी उल्टे काम हम तो दिमाग के नहीं जाता, आप ये कुर्ता पहन रहे हो ना, 2 महीने लगातार कुर्ता पहन लियो, बुरे विकार आने के बंद हो जाएंगे, मतलब सात्विक प्रवृत्ति हो जाएगी। सुबह कैब से लगड़ ले भाई कंपनी में, सुबह मेरे भाई 7-7:30 बजे लकड़न की रोज रवे है, 5-7 मिनट ऊपर नीचे में लकड़ लामणी है, अभी राजनीति वाला की तो लामणी है, तो लामणी पर कैब से लगड़ ले, अपना खातर लामणी कौन मेरे भाई, तारा भाई तो 5 साल इसे उसमें रहे, लगातार संघर्ष करे है, लगातार चुकर तकलीफ उठाई है, 5-5 बजे भी सवेरे गए, हर रात ने 12-12 बजे भी किसाना प्रचार करे है, तो प्रचार वाली नई बात नहीं है, हाँ लोगों की जो उम्मीद है, मैं उम्मीद नहीं कर रहा था इतनी जनभावना जुड़ेगी जितनी जोड़ पाया मैं, वोट जीत वो अलग मैटर है, लेकिन मैं मेरे नौजवान पीढ़ी ने, मेरे भाईचारे ने एक हौसला देने में सफल होया, अगर तारा कोई बेटा है जो आम किसान का घर पैदा हो रहा है, वो भी इनके बराबर में खड़ा है उसके, तो आगे मैं उम्मीद कर रहा हूँ आने वाला समय में मेरे जिसे जो भाई बेटे हैं वो और मजबूत होकर बाहर निकलेंगे। चलो जी, तो भाई नया नेता आया है, नए नए नेता आए हैं, संदीप भारती नु कह, मेरे अंदर जो जुनून था, जो जोश था, वो अपने क्रांतिकारियों से प्रभावित होकर मैं राजनीतिक क्षेत्र में आया हूँ, भाई नु तो कौन बताया, किसने धक्का दिया, यू नु कह मेरे कुछ भाई थे, किसने धक्का दिया, वो तो कौन रह गया सवाल ही।
राजनीति मेरे भाई मैं वैसे बता दूं, दोहरा दूं, मैंने छात्र जीवन की राजनीति करी, कांग्रेस की छात्र संगठन एनएसयूआई थे, 2006-07 में जिला अध्यक्ष था, 2007 में मैं राष्ट्रीय कार्यकारिणी में था और उस टाइम पे मैं शीर्ष नेतृत्व तो सीधे संपर्क में 2007 12 साल पहले तो राजनीति तो मैंने शुरुआत करी थी क्रांति की, लेकिन 2006-07 में मैंने इस बात का एहसास होया इस डाल की जो स्थापित राजनीतिक पार्टी वाली राजनीति है उससे देश का भला नहीं होना, आपने जमीन पर जाना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा, तकलीफ समझनी पड़ेगी, मिटाने का समाधान देखना पड़ेगा। तो या तो मेरे नहीं मानो री एंट्री है भाई, यार लोगों ने जगान खतर लाग रहा है और कुल मिलाकर नो कैस कहा भाई इनका डेब्यू है, राजनीतिक डेब्यू, तो इसमें हिट विकेट होंगे, सिक्सर मारेंगे, क्लीन बोल्ड होंगे, अब भाई हेलीकॉप्टर शॉट भी आ रहा है, तो देखेंगे भाई 23 तारीख ने ढोल खोलेंगे बेरा पटागा, संदीप भारती कितना पानी में है, तो लठ गाडेगा अगर लठ इसका पटेगा, बने रहो संसार क्रांति के लिए, मैं उतारा देसी पत्रकार करमू, जय हरियाणा, जय हरियाणा भाई।